औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के साथ मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफूफ ठंडक का नुस्खा है। ऐसे हमारे दोस्त अहबाब जो गर्मी के सताए हुए हैं, जो सर्दियों में भी गर्मी का शिकार हैं, जिस्म के अंदर हीट अप बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो हमारा जो आज का नुस्खा है उन दोस्तों के लिए है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनको घबराहट, बेचैनी और नींद की कमी का भी शिकार हैं, और इसके अलावा हाथों पांव की जलन, जिगर के ऊपर हीट अप, जिगर का हीट अप होना और जिगर का बेतहाशा गर्मी बनाना शुरू कर देना। तो हमारा जो आज का नुस्खा है उन दोस्तों के नाम है जो गर्मी के ज़्यादा सताए हुए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में भी जिनके हाथों पांव से गर्मी निकलती रहती है या पसीना जो है वो खारिज होता है, तो उन दोस्तों के लिए हमारा आज का जो नुस्खा है इंतहाई मुफीद, लाजवाब, ज़बरदस्त रिज़ल्ट का हमल जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जा रहा है। इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। नुस्खे की तरफ जानने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, ताकि महब्बतों का जो सिलसिला है हमारा ये चलता रहे, ये कारवां बढ़ता रहे और ये तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अब तावन फरमाएंगे। नुस्खा हमारा बहुत ज़बरदस्त है, आप इस कोशिश करें कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, इस वीडियो को महफूज कर लें, अपने पास सेव कर लें, ताकि वो वक्त ज़रूरत जब आप नुस्खा बनाएं तो ये वीडियो आपके काम आए। किसी भी ऐसे मौके के ऊपर जहां पे आपको नुस्खे की समझ नहीं आती, आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स किया करें, फ़ोन कॉल कर लिया करें, नुस्खे का पूछ लिया करें। हमारा काम है आप दोस्तों की रहनुमाई करना। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे हमें आपकी रहनुमाई करने की, और कोशिश हमारी यही होती है कि अल्लाह पाक के दी हुई इल्म में से आप दोस्तों को आसानियाँ तकसीम की जाएं, और कोशिश हमारी इस हद तक कामयाब है कि आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स, आपके फ़ोन कॉल्स जो हैं उसका सबूत है, और यही सारा कुछ जो है ना आपकी मोहब्बत है। नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है उनमें सबसे पहले नंबर पर है तबशीर कबूद। तबाशीर बांसी भी आप इस नुस्खे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी होती है। यह तबाशीर जो नकरा है ये सस्ती होती है। आप अगर इस नुस्खे में तबाशीर बांसी शामिल कर लें तो इस नुस्खे को चार चांद लग जाएंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसमें तबाशीर कबूत शामिल कर लें और उसका वज़न जो है वो 25 ग्राम है। उसके बाद इसमें इलायची सब्ज़ है और उसका वज़न भी 25 ग्राम है। इसके बाद इसमें कश्मीर है, खुशक धनिया, साबत धनिया और इसका वज़न 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें संदल सफ़ैद है, और संदल सफ़ैद आपने लकड़ लेनी है, बुरा नहीं लेना है और असल लेना है, एक नंबर लेना है। एक नंबर क्वालिटी वाला थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन आपने संदल सफ़ैद एक नंबर शामिल करना है। लकड़ी लें, उसको खुद बुरा बनाएँ, खुद इसको बारीक करें, ठीक है जी, और इसका वज़न भी 20 ग्राम है। उसके बाद इसमें जो है ना कूजा मिस्री शामिल है, कूजा मिस्री इसमें 50 ग्राम है और संदल सफ़ैद इसमें 20 ग्राम है। ये जो टोटल हमारे अज़ा हैं पांच हैं, पांच अज़ा पर मुश्तमिल नुस्खा है ये। आप इसको बिल्कुल बारीक सफूफ बनाएंगे, मिसले मैदा बनाएंगे आप, बिल्कुल बारीक सफूफ आपका होना चाहिए। जितना बारीक सफूफ होगा इतना ही इसकी अफादियत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसमें से आपने जो है ना आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, सुबह शाम के हिसाब से खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा भी आपको खाली पेट ही होगा। अगर जो दोस्त खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, वो इसको खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आप इस सफूफ को जो है आधी आधी चम्मच इसकी मकदार खुराक है बड़ों के लिए, और बच्चों को आप उनकी उम्र के हिसाब से देंगे, और ये शरबत बजूरी मौत दिल के साथ आपने दवाई लेनी है।
और शरबते बाजूरी मोतदिल जो है उसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देखें उसको और ख़ुद घर में बनाएं तो आपको एक नंबर क्वालिटी वाला जो शरबत है वो पीने को मिलेगा। वरना बाज़ार में जो इस वक्त शरबत बाजूरी गर्दश कर रहे हैं उनमें सिवाय सेंस के कुछ भी नहीं है। तो शरबत बाजूरी की जो वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप सर्च फरमा लें और उसको मुकम्मल जो नुस्खे के साथ है बनाई गई है जो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप उसको जो है ना देखें और ख़ुद घर में शरबत बाजूरी बनाएं। उस दवा के साथ इस दवा को लें, फिर आप जो है 10 दिन के बाद आप मुझे अपने रिजल्ट से आगाह करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल और करम से आपको पहली खुराक से जो है ना सुकून महसूस होगा तबीयत में। इंतहाई बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, इंतहाई बेहतरीन किस्म की दवा है जिसका नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। ये मसाने के ऊपर गर्मी, जिगर के ऊपर गर्मी, मैदे के ऊपर गर्मी के लिए ज़बरदस्त है और अफादियत मुकम्मल इस नुस्खे की इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप खालसा ईज़ा लेंगे, एक नंबर क्वालिटी वाले ईज़ा लेंगे और ख़ुद घर में बनाएंगे या किसी मकामी करीबी मौली से अपनी ज़ेर निगरानी बनवाएंगे। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें। याद रहे कि ये जो दवा है दिल को फौरी तौर पर ताकत देती है, तकवीत देती है, दिल की घबराहट को ठीक करती है, बेचैनी को ठीक करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, मैदा जिगर की गर्मी को ठीक करती है, मसाने की गर्मी को ठीक करती है, मुकम्मल तौर पर बेहतरीन और खालस और प्योर हर्बल नुस्खा है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। बेहतरीन रिजल्ट है इस दवा का। हम अपने दवाखाने के ऊपर गर्मियों में ये नुस्खा जो है बनाकर इस्तेमाल करवाते हैं, हमारा मामूली मतलब नुस्खा है। हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।